मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को कांग्रेस का जनप्रतिनिधि मंडल नगर निगम कार्यालय पहुंचा और निगमायुक्त प्रतिभा पाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नाला टैपिंग के कारण शहर में हो रहे जलजमाव को लेकर अपनी बात रखी। बता दें कि मंगलवार को हुई बारिश की वजह से इंदौर शहर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने नाला टेपिंग के नाम भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया है। आधे घंटे की बारिश के बाद जलमग्न हुए शहर को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का एक दल गुरुवार को नगर निगम दफ्तर पहुंचा, जहां नाला टेपिंग में बरती गई अनियमितता और बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर निगमायुक्त प्रतिभा पाल के सामने अपनी बात रखी। गांव फ्लोर तक पानी जमा है मैडम, बड़े मुश्किल से निकल रहा है। आप बोलो तो मैं आपको ले चल के दौरा करा दूं। लोगों ने घर के बाहर पानी की मोटर लगा रखी और पानी निकाल के बाहर निकल। मैडम जो अपन मुद्दा हुआ मेहनत करें पछुआ जहाँ आपने संजय शुक्ला के क्षेत्र में हारे हुए एमएलए को तवज्जो दिया थी और हमारे क्षेत्र में हम बात करते हैं तो विधायक दौरा करेंगे। ये दौरा मापदंड क्यों? नगर निगम में दो नियम चलेगी भैया। एक मिनट संजय की बात, आप दौरा करने गए वहाँ पे पूर्व विधायक के साथ गए, आप मुझे खबर करा थे, मैं आता हूँ। आराम से बात कर ले, 300-200 हो गए, कोई सुन नहीं रहा और सबकी बेसरी के बाद फेयर है। जो आप दो चीजें बता रहे हैं मैं भी उसमें बता दूँ। जो आप पहली चीज बता रहे हैं नाला ट्रैपिंग के टेक्निकल इश्यूज है। टेक्निकल ये होता है कि स्टॉर्म वाटर लाइन और सीवर की लाइन दोनों अलग अलग लाइनें होती हैं। जब हम लोग सीवर की लाइन को चैनलाइज करते हैं उसमें से स्टॉर्म वाटर। मैडम आई एम एन इलेक्टेड पर्सन, जस्ट मैं एक मिनट सुन लीजिए, क्या सब जगह पे एक जैसा फ्लो पानी का डायमीटर एक जैसा होगा सब जगह? अपने अपने लोगों को ये लगता है कि 2 इंच का डाया किससे जोड़ा, हर चीज की एक टेक्निकल। मैडम तो जोशी जी इसको अपने को समझना पड़ेगा। आप समझते तो और अच्छा है, फिर तो आपको औरों को समझाना चाहिए इस बात को। नहीं समझा, आपको समझाना होगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब चोटों में बसते हैं, कितने भ्रष्ट अफसर बैठे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में काम दिए गए। देखिए दो चीजें, पहला ये है कि ज्ञापन का जो विषय है यदि ज्ञापन विषय तो बेहतर रहेगा। दूसरा ये है जो आप डेंगू का बात कर रहे हैं, पूरे अगर आप प्रदेश की स्थिति जानेंगे तो इंदौर 45 लाख की जनसंख्या का शहर है। मंदसौर में जो डेंगू के केसेस हैं वो 800 हैं और जगह और भी ज्यादा है। ये आउटब्रेक एक टाइम का होता है। दो इंच पानी में कितना पानी भर गया नाव चलाने के? 2 मिनट आप रुकिए। डेंगू के केसेस इस समय में होते हैं, ये समय ऐसा है। आपने सभी लोगों को ये चाहिए, आपको भी, संजय शुक्ला जी को भी, दर्शन गुप्ता जी को या किसी और को, इस व्यवस्था पॉलिटिकल प्रोटोकॉल। आप एक्स एमएलए बता रहे हैं, मुझे संजय शुक्ला जी को देख रहा हूँ, एक्स एमएलए आ रहा है, यह एमएलए नहीं आ रहा। नो नमस्ते मैडम, नो नो टू स्टैंडर्ड्स, नो वी कैन ओनली डिस्कस एंड कम टू यू फॉर सॉल्यूशन। जल भराव से नाराज कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि नाला टैपिंग के चलते शहर की सड़कों पर जलजमाव हो रहा है, जिसके चलते शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। साथ ही विधायक ने नाला टैपिंग के कार्य में हुए करोड़ों रुपए का निगम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। आज कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष विनय वाघेला के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी हमारे हारे जीते हुए और हमारे जितने पार्षद सब लोग मिले इंदौर शहर में नाला टैपिंग के नाम पर 2000 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ 3 साल के अंदर। इसके अंदर भले वो मोगेजी हो या मालनी गोड़ हो, इन लोगों ने सब ने मिलकर अधिकारियों द्वारा मिलकर भ्रष्टाचार हुआ। इंदौर शहर आज तालाब बन चुका है, 1 इंची पानी गिरने के बाद इंदौर शहर में पूरा डूब गया है और लोगों के मकान तोड़े गए और मकानों को वहाँ पर कचरा आज भर दिया गया। भले मेरी विधानसभा वाले पचकुइयाँ हो या सिकंदराबाग हो या जूना रिसाला हो या बाणंगा हो, वहाँ पर नाला टैपिंग के नाम पर पहले सड़क बना दी गई, उस सड़क के माध्यम से लाइन डली और वो सब फेल हो गई है और आज भी नाले में पानी भरा है। और उसके अलावा जो पहले नाले चौड़े थे वो भी छोटे हो गए, उसके अलावा घरों को मकान तोड़ दिए, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे अनेक काम करके इससे भी इनकी दादागिरी करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। उसके लिए कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो मुख्यमंत्री कहते हैं मेरा सपनों का शहर है, इस सपनों को शहर के अंदर वो सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। उनको ही संभालो, मेरे रोज़ बैठते हैं देखते हैं 1 इंची के अंदर पूरा शहर डूब रहा है तो उन्होंने क्या करा।
इसके पहले अधिकारियों ने जो 1700 करोड़ रुपया जो 5 साल से लगातार खर्चा हो रहा है नगर निगम के नाम पर, वो तक भ्रष्टाचारों ने क्या करा? इंदौर शहर की जो नदी बन रही है अपनी नदी बनाने के लिए 5 मेयर बने, 5ों मेयर ने 1000 करोड़ रुपया उस नदी के नाम पर खर्चा किया। आज भी वो नदी नाला ही है आज भी। तो ऐसे अनेक काम हुए जो आज इंदौर शहर बर्बाद हो रहा है। जो संपत्ति कराता है 1000 करोड़ रुपया, वो सब बर्बाद कर रहे हैं, पैसा जनता का है। उसके अलावा इंदौर शहर में आप डेंगू के नाम देख लिए, इंदौर को डेंगू के नाम पे कोरोना में हमने पहले ही बोला था कि इंदौर शहर में लाशों को ढेर लगने वाले हैं, आप अस्पताल की व्यवस्था कीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था चाहिए, दवा की व्यवस्था चाहिए, परंतु इन्होंने हमारे उसको भी इग्नोर किया था। उसके बाद देखिए इंदौर शहर में 1000 लाशें मिली, आपके परिवार, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, दोस्त यार, कई लोग मर गए, परंतु डेंगू के नाम पर फिर मरने लग गए। इंदौर में एक भी अस्पताल खाली नहीं है, हर अस्पताल फुल पड़ा हुआ। किसी अस्पताल में आप जाएंगे जाके देखें, एक भी अस्पताल खाली नहीं है। वही स्थिति आने वाली है इंदौर में, लाशों के ढेर लगने वाले हैं और नगर निगम द्वारा कोई भी स्वास्थ्य के नाम पर काम नहीं कर रहा। और स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ इसी सप्ताह में ये स्वास्थ्य अधिकारी सिर्फ कागजों पर काम करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं काम कर रहा है। इंदौर शहर में गरीब परिवार हमेशा मरते जा रहा है। अवैध कॉलोनी के अंदर बेचारे आज भी लोग बेचारे गरीब लोग 1000 करोड़ रुपये 1000 रुपये खर्चा करके कोई अपने ब्याज से पैसे ले रहा है, कोई अपने घर के मकान बेच रहा है, कोई जेवर बेच रहा है, उसका इलाज करवा रहा है। उसके बाद ये नगर निगम द्वारा डेंगू के इलाज के लिए नहीं कर रहा। इससे तो नगर निगम दिल्ली अच्छी है, जो आम गरीब काम कर रही है। इंदौर मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर की नगर निगम सरकार इसी भारतीय जनता पार्टी की गुलामी के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और आंदोलन करेंगे। कभी नहीं हुआ तो कोर्ट में जाके इन सबके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। देखिए बीजेपी का इवेंट बन रहा है, हर चीज़ इवेंट बना रहे हैं। जो वैक्सीन लग रही है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन, वैक्सीन मुक्त लगेगी, ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा को ये नाम वैक्सीन के नाम पर लिया जा रहा है, ये सब सिर्फ झूठ बनाया जा रहा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा जैसे मोदी के जन्मदिन के नाम पे जनता को अपने पक्ष में गुमराह कराया जा रहा है। जनता समझती है, जनता जानती है, जिसके परिवार का आदमी मरा, जिसके परिवार का रिश्तेदार मरा, किसी दोस्त मरा, किसी मोहल्ले का आदमी मरा, सब ने देखा है। किसी कोई व्यवस्था नहीं, सब लोग भाग भाग रहे थे। कोई वैक्सीन के नाम पर भाग रहा था, कोई इंजेक्शन के नाम पर भाग रहा था, कोई अस्पताल के नाम पर भाग रहा था, कोई दवा के लिए भाग रहा था, कोई अस्पताल ढूंढने के भाग रहा था, पर किसी को कुछ नहीं मिला। जनता जानती है, जनता जिसके परिवार का आदमी मरा है वो जिंदगी भर नहीं भूलता। इस भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी, क्यों जनता के पास एक बार मौका मिलता है, 5 साल में एक बार मौका, ये त्यौहार 5 साल में एक बार आता, उस टाइम आप देखना इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी जनता, और जनता अपनी कांग्रेस सरकार बनेगी। आदरणीय कमलनाथ जी ने तो देखा होगा, जो 15 महीने में जो काम कर दिखाया, 15 साल में मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाया। हमारे मुख्यमंत्री महीने में 20 दिन ऑफिस में बैठ के मैनेजमेंट से काम करते थे, और ये मुख्यमंत्री जी महीने में 25 दिन हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं, और 100 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा घूमने के लिए और लोगों को घुमाने के लिए। देखिए अभी झाबुआ के अंदर कल ही उन्होंने वहाँ का चुनाव जीतना है तो वहाँ का आदिवासी को अपने हेलीकॉप्टर बैठ के घुमा रहे हैं, आम जनता का पैसा और अपने चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही जनता झूठ नहीं है, जनता समझती है, जनता समझदार है। जनता के नाम में कितना कुछ कर ले, गुमराह कर ले, आपके हम लोकसभा भी जीतेंगे और उपचुनाव जीतेंगे और अगली बार नगर निगम भी जीतेंगे और विधानसभा भी जीतेंगे। क्योंकि लगातार अपने इलाकों में दौरे कर रहे हैं आप। वही निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने ज्ञापन लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मंडल द्वारा डेंगू के केस में मध्य प्रदेश में इंदौर ठीक स्थिति में है। वही मंदसौर में सबसे ज्यादा 800 डेंगू के मरीज मिले हैं। निगम ने लगातार क्षेत्र में तैयारियां की है क्योंकि इंदौर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, फिर भी यहां डेंगू के केस कम है। आने वाले दिनों में डेंगू के केस इंदौर में ना बढ़े, इसलिए निगम द्वारा ड्राइव शुरू की है जिसमें प्रत्येक जोन में स्वास्थ्य की टीम बनाई गई है, जिसमें घरों में पानी जलजमाव को दूर करे। साथ ही बस्ती क्षेत्रों में डेंगू मलेरिया की समस्या ज्यादा आ रही है, इसलिए प्रत्येक जोन में बस्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। निगमायुक्त ने कहा कि इस काम के लिए नगर निगम द्वारा एनजीओ की टीम भी लगाई गई है, साथ ही लोकल जनप्रतिनिधियों और पूर्व पार्षदों को इस अभियान में जोड़ा गया है। इस ज्ञापन में विशेषकर जो विषय हम सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए वो डेंगू को लेकर है, और इस संबंध में निगम ने जो तैयारियां की हैं वो लगातार हम लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर होने के बावजूद अगर हम लोग प्रदेश में डेंगू के केसेस की स्थिति देखें तो उसमें हम लोग फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों को जरूरी यह ध्यान रखना है कि इस आने वाले समय में आगे लापरवाही ना हो, इसीलिए कल से निगम ने एक ड्राइव भी शुरू करी है जिसमें प्रत्येक जोन में ऐसी टीम्स बनाई गई हैं जिसमें स्वास्थ्य की टीम है। स्वास्थ्य की टीम का काम यह रहेगा कि जहाँ भी पानी भरा हुआ है या पानी रुका हुआ है घरों लोगों के घरों में, जो लोग पानी भर के रखते हैं कूलर्स में, पुराने टायर्स में, पुराने डब्बों में, उनको क्लियर कराते रहें। और इसमें जन जागरूकता के लिए निगम की एनजीओ की टीम भी लगाई गई है। इसके अलावा साथ में चूंकि बस्ती क्षेत्र में ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं डेंगू और मलेरिया से संबंधित, इसलिए ऐसी प्रत्येक जोन ने अपनी बस्तियां चिन्हित की हैं और इन बस्तियों में ये कार्रवाई की जा रही है।
सभी जगह जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी जो पूर्व पार्षद हैं उनको अपने वार्ड का आइडिया रहता है, उन लोगों ने ऐसी जगह अपनी आइडेंटिफाई करी हैं। इसके अलावा इसमें विद्युत की टीम, पीएचई की टीम और जो उद्यान की टीम है, जो बड़ी झाड़ियाँ उग जाती हैं उनकी वजह से मच्छर होते हैं, उनको भी इसमें लगाया गया ताकि हम लोग इसको एंड टू एंड इसका समाधान कर सकें। और इसके लिए लगातार निगम की टीम्स हर जोन में और हर वार्ड में चल रही हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन शहर में हुए जलजमाव के मामले में सियासत जोरों पर है। देखना यह होगा कि इस सियासत को कांग्रेस कहां तक लेकर जाती है। क्या कांग्रेस के इस विरोध के बाद शहर की स्थिति ठीक हो पाएगी या इसी तरह स्थिति बंटा ढाल बनी रहेगी। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।